Hi everyone, this is Vijay Sarvaiya from IT DABB इंदौर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग का MPDT काउंसलिंग पर इफेक्ट, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जोसा काउंसलिंग का MPDT काउंसलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल हमारी जोसा काउंसलिंग MPDT काउंसलिंग के बाद में हुई थी, लेकिन इस बार जोसा काउंसलिंग पहले खत्म हो चुकी है, तो इसका MPDT काउंसलिंग पर क्या इफेक्ट देखने मिलेगा, क्या इससे कट ऑफ बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो यदि जोसा काउंसलिंग का MPDT काउंसलिंग पर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट तो बढ़ने वाला है और इसका इफेक्ट आपको कट ऑफ में देखने मिल सकता है, क्योंकि इस बार आपकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ने वाली है। जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं उस हिसाब से अगर देखें तो इस बार आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट CLC राउंड पर पड़ने वाला है। अब आप में से जो लोग भी CLC राउंड मैं पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं CLC राउंड को लेकर, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग CLC राउंड में भरा जाएंगे, वैसे ही तो सीट्स कम रहती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा और आप लोग CLC राउंड में थोड़ा सा ध्यान रखना कि पिछली बार जो हमारा CLC राउंड था वो 3 बार हुआ था, 3 बार होने के बाद भी कॉलेजेस के अंदर सीट्स वैकेंट रह गई थी, लेकिन इस बार 3 बार मुश्किल है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो पहले ही खत्म हो जाएगा, पहले ही सारी सीट्स भरा जाएंगी। तो आप कोशिश करना कि अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा कम है तो CLC राउंड में बहुत कम ही चांस रहेंगे कि आपको एक अच्छे टॉप कॉलेज में कोई भी ब्रांच मिले। और CLC राउंड वालों के लिए यही सजेशन रहेगा कि पहले एक अपना बी ऑप्शन रख कर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, फिर बाद में उसमें नाम कटवा के बाद में CLC राउंड में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर आपने भाना ही किया और CLC राउंड में भी कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, इसलिए अपना एक बी ऑप्शन जरूर रखें। और आपको पता भी होगा कि अभी हमारी मेरिट लिस्ट आउट हुई थी, उससे हमें पता चल गया कि MPDT काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के अंदर 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो हम यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25,000 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें से बहुत ही कम लोग होंगे जो कि ड्रॉप ले रहे होंगे या किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं रुकने वाले हैं। पहले जोसा काउंसलिंग होती थी तो किसी को NIT IIIT GFTI में एडमिशन मिल गया, वहाँ चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, अब सारे के सारे MPDT कॉलेज इसमें ही भर आएंगे, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यही आपको बताना था, आप लोगों के इंस्टाग्राम पर CLC राउंड को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मैं देख रहा था कि CLC राउंड से रिलेटेड ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपको एक रियलिटी पता चल जाए और आप CLC राउंड के ही भरोसे ना बैठे रहो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप CLC राउंड को टारगेट कर रहे हो तो आपको एक बी ऑप्शन रख लेना, उसके बाद CLC राउंड में पार्टिसिपेट करना। और जिन लोगों ने भी MPDT के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था उनका कल रिजल्ट आने वाला है, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, और उसके बाद हमारा अपग्रेड राउंड होता है, तो मैं फर्स्ट राउंड के बाद वीडियो बना दूंगा कि अपग्रेड राउंड में क्या क्या आपको करना रहता है और किस किन किन लोगों को अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे। और भी आपका कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, उस पर आपके कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी कॉलेज रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।